रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी ने की यूक्रेन संकट पर पांचवी बैठक। सुबह न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया। इधर यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन पर नौवें दिन भी रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं पर सुबह न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया। इसके बाद IAEA समेत दुनिया भर के देशों ने रूस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो वहीं ब्रिटेन ने UNSC की आपात बैठक बुलाई। इसी बीच यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर शुक्रवार को सामने आई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने इसकी जानकारी दी। इधर यूक्रेन संकट और वहां पर बने ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त VK सिंह ने कहा है कि आज खबर मिली कि क्यू से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई और उसे बीच रास्ते से ही वापस क्यू ले जाया गया। हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीके सिंह ने बताया कि अभी 1600 से 1700 बच्चों को भारत भेजना है। पिछले 3 दिनों में 7 फ्लाइट में लगभग 1400 बच्चे गए हैं। कुछ बच्चे अपने जरिए से वारसा पहुंचे थे और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ रुकने का फैसला किया है। वह पोलैंड में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम कल कुल 5 फ्लाइट निकालेंगे, जिसमें हम 800 से 900 बच्चों को भारत भेजेंगे। हमने बच्चों के रुकने के लिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था बनाई है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने और वहां आग लगने के बाद वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने को आह्वान करेंगे। जॉनसन के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस के हमले के बाद वहां आग लगने पर जॉनसन ने तड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से बात की। जॉनसन ने कहा कि वह रूस और अन्य करीबी सहयोगियों के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे। कार्यालय के अनुसार वह और ज़ेलेंस्की इस बात पर सहमत हुए कि रूस को तुरंत हमला करना बंद कर देना चाहिए और आपात सेवाओं को संयंत्र तक निर्बाध पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि युद्ध विराम आवश्यक है। जॉनसन के कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लापरवाही भरी कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि स्थिति और न बिगड़े। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की से बात की। ट्रूडो ने ट्वीट किया कि रूस के ये हमले अस्वीकार हैं और तुरंत रुकने चाहिए। गौरतलब है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रवक्ता ने बताया है कि दक्षिण यूक्रेन के एनेहोर्दस शहर ने ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र पर रूस के हमला करने के बाद प्रतिष्ठान में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।